हाय गाइस, वेलकम बैक टू रेविंग मोटर्स। तो भाई आज हम क्रेटा की सर्विस करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी क्रेटा 9000 के आसपास चल गई है। होती तो वैसे 10000 रुपये, लेकिन इसका जो कूपन होता है ना उसकी वैलिडिटी 10000 किलोमीटर या फिर एक साल, जो चीज़ पहले हो जाए उसकी होती है। तो अब इसको एक साल हो जाएगा पूरा, तो इसलिए मैं अभी करवा रहा हूँ 9000 रुपये। तो मैंने सर्विस सेंटर में बात कर ली थी, तो वो कह रहे हैं कि आप आ जाइए, आज सर्विस हो जाएगी। बाकी इस कार में अभी तक मुझे कोई कमी ऐसी महसूस नहीं हुई जो मैं इनको बताऊँ। इसमें कोई भी अभी तक इशू ऐसा नहीं आया है, तो ये बिल्कुल ओके चल रही है। और इसमें जो कूपन होते हैं ना फ्री सर्विस वाले, जिसमें लेवर फ्री होती है, वो एक तो फर्स्ट वाला तो जो 1000 किलोमीटर पे होता है उसमें नॉर्मल वॉशिंग होती है, उसमें कोई चार्ज नहीं लेते आपसे, बस शैम्पू के पैसे लेते हैं। उसके बाद 10000 वाला कूपन मिलता है और एक 20000 वाला मिलता है। इसमें तीन ही कूपन मिलते हैं, लेकिन हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। ह्यूंडई का क्या है कि 20000 वाली भी आपकी लेवर फ्री होती है। अब किया सेल्टोस में जैसे आप लेते हो, तो उसमें 5000 वाली एक सर्विस वो बीच में देते हैं, जिसमें वो नॉर्मल चेकअप वगैरह करते हैं, तो एक कूपन आपको उसमें वेस्ट हो जाता है। होते उसमें भी तीन ही, लेकिन उसमें 1000 वाला और 5000 वाला और फिर सीधा 10000 वाला, तो 10000 में आपका खत्म हो जाता है उसका। तो 20000 वाली आपकी पेड सर्विस होती है, इसमें 30000 वाली हमारी पेड सर्विस होगी। तो अब हम सर्विस सेंटर पहुँचने वाले, फिर देखते हैं वहाँ पर कैसा क्या एक्सपीरियंस रहेगा। अभी तक इसमें ना कोई रेटलिंग नॉइस वगैरह बनी है, ना कहीं सस्पेंशन में आवाज़ है, ना स्टेयरिंग में आवाज़ है। जो कि न्यू उसमें बनती है वो इसमें अभी तक कुछ नहीं बनी है। इसमें कहते हैं कि आएगी, थोड़ा लेट आएगी। और बाकी अब सर्विस सेंटर हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे आ गया सर्विस सेंटर हमारा लेफ्ट में, तो पता चल जाएगा इसकी क्या कुछ कॉस्टिंग आती है, कितना इसमें हमारा खर्चा आएगा टोटल। अंदर अगर अलाउड होगा तो मैं शूट ज़रूर करूँगा, वरना फिर नहीं कर पाऊँगा। क्रेटा मिल गई हमारी वापस, सर्विस हो गया। आप देख सकते हैं क्लीनिंग वगैरह पूरी इसमें कंप्लीट हो गई है। बिल मैं आपको भी दिखा देता हूँ हमारा बिल कितना बना है। अब मैं आपको क्लीनिंग दिखा देता हूँ, इंजन वगैरह भी बिल्कुल इसका क्लीन कर दिया इन्होंने। बाकी इसकी भाई सर्विस थोड़ी सी महंगी हुई है, क्योंकि इसके थोड़े पार्ट्स महंगे हैं, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो भाई बिल की बात करें तो बिल भाई हमारा हमारे पास आ चुका है। बिल हमारा बना 2375 रुपये। इसमें आप देख सकते हैं जो इसमें विंडशील्ड वॉशर डला है 16 रुपये का, उसके भी पैसे हैं। इंजन ऑयल डलता है उसके भी पैसे हैं, 1240 रुपये का इंजन ऑयल डला है। एयर फिल्टर जो इसमें यहाँ डलता है, ये आपका डला है 260 रुपये का, ये फिर भी ठीक है। लेकिन जो इसमें ऑयल फिल्टर डलता है, इतना छोटा सा फिल्टर होता है एक, बिल्कुल छोटा सा, वो डला है भाई पूरा देख सकते हैं आप इसमें 495 रुपये का। मतलब न्यूज का वो है ना 170 या 150 रुपये के आसपास या 200 रुपये के आसपास ही है इसका, भाई बहुत महंगा है। ह्यूंडई के पार्ट्स हमने सुना है बहुत महंगा, आज हमने देख भी लिया कि इसके पार्ट्स कितने महंगे, 495 रुपये का इसमें ऑयल फिल्टर डला है। तो सारा सम अप हो गया हमारा बनता है 2375 रुपये टोटल इसमें। बाकी हमारे यहाँ पे लेबर वगैरह कुछ भी नहीं लगी। अब हमारी नेक्स्ट सर्विस है वो भी हमारी फ्री है, उसके बाद वाली में हमारे लेबर लगेंगे जो हमारी 30000 किलोमीटर पर होनी है। बाकी क्लीनिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लीनिंग हमारी कैसी हुई है आप अंदर से भी देख सकते हैं। क्लीनिंग वगैरह बिल्कुल अच्छी कर दी इन्होंने। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। क्लीनिंग इन्होंने सही होगी है गाड़ी की, सर्विस भी पूरी डन होगी है। सर्विस एक्सपीरियंस की बात करो तो सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा, ऐसा कोई भी मुझे इशू नहीं आया। मैंने सुबह इनको गाड़ी दी थी तो अभी इन्होंने मेरे को कॉल कर दिया था, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाया है। अभी मेरे को 5 बजे इन्होंने गाड़ी दी है, मैंने सुबह 11 बजे इनके पास दे दी, जबकि इसमें कुछ भी नहीं होना था, फिर भी इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। बाकी ये हमारा बिल है और यहाँ पे हमने सर्विस करवाई इसकी, यूनिवर्सल ह्यूंडई का जो सर्विस सेंटर है ये नंगली सकरावती में पड़ता है। इसकी लोकेशन आप मांगोगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी इनका जो बिल का आपका अपडेट है वो व्हाट्सएप पे सारा आता है कि आपकी कार 30 मिनट में रेडी होने वाली है। बिल वगैरह की कॉपी चाहिए हो तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, तो आ जाती है सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी इन्होंने दी। और जो इंजन ऑयल डालते हैं, बाकी जो इन्होंने इंजन ऑयल इसमें यूज़ करते हैं वो ये सर्वो कंपनी का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं गेज पे भी हमारा ऑयल शो कर रहा है। सर्वो कंपनी भाई इतनी अच्छी है ही नहीं, क्योंकि वो इंडियन ऑयल की है, वो इंडियन ब्रांड है। बाहर कंपनी का इन्होंने इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए, लेकिन इनका पता नहीं, ये बता रहे हैं हमारे ह्यूंडई का टाइप है सर्वो और शेल के साथ। मैंने अब आपको देखो वीडियो डाल रहा हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। इनका ड्रम में तेल आता है, इनकी कोई कैन वगैरह भी नहीं आती, तो इनका ड्रम में तेल आता है।
तो उसमें से ही अपना एक नापने का होता है इनका, उसमें से निकाल के और गाड़ी में डाल देते हैं। तो कंपनी में भाई ह्यूंडई ने इसके इंजन ऑयल पे ध्यान देना चाहिए, वो कहते हैं BS6 स्पेशल है तो हमारा इनके साथ ही टाइप है तो हम यही डालते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी भाई। सर्वो का इंजन ऑयल भी भाई आज की डेट में कौन इस्तेमाल करता है? आज की डेट में अगर आप देखो मारुति भी आपको मोबिल वगैरह का तेल डालते जो कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये सर्वो का डालते जो कि एक इंडियन ऑयल का ब्रांड है। तो ये चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी है। बाकी भाई ह्यूंडई क्रेटा में अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पेट्रोल वेरियंट है ये मेरा। लेकिन इन्होंने यहाँ से देखिए थोड़ी सी ना क्लीनिंग सही नहीं करी, यहाँ से रह गई है, इन्होंने सही नहीं करी। मुझे कोई भी इसमें कमी नहीं है जो मैं उनको बताता। तो अभी मेरी कार की सर्विस होगी 10,000 किलोमीटर वाली, अब इसकी नेक्स्ट सर्विस 20,000 रुपये होगी। और बाकी मैंने अलाइनमेंट वगैरह इसमें कुछ भी नहीं करवाई थी, वो बाकी और चीज़ भी ऐड कर रहे थे, कोटिंग वगैरह मैं आपको अभी उसमें वो डाल रहा हूँ जॉब कार्ड, उसमें आप देख लेना अलाइनमेंट के उन्होंने 1800 प्लस GST लिखे थे, तो मैंने नहीं करवाई अभी, वो मैं बाहर करवा लूँगा। आपकी इच्छा है भाई, आप करवाओ चाहे मत करवाओ, कंपनी में करवाओ या बाहर करवाओ, वो आपकी सबकी पर्सनल चॉइस होती है। तो मैं तो उसको बाहर ही कराता हूँ, 200-300 रुपये में काम हो जाता है वो, डन। तो यही थी एक वीडियो भाई ह्यूंडई क्रेटा की सेकंड सर्विस के ऊपर 10,000 किलोमीटर वाली की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।